मशहूर सिंगर के उर्फ कृष्ण कुमार कुन्नत की मंगलवार को अचानक मौत हो गई। मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना अभी बाकी है। मौत से कुछ देर पहले उन्होंने कोलकाता में एक शो में परफॉर्म भी किया। अपनी आवाज से जादू बिखेरने वाले सिंगर की अचानक मौत होने से हर कोई स्तब्ध है। केके के प्रशंसकों से लेकर संगीत जगत की बड़ी हस्तियां तक हर कोई केके को याद कर रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि केके अपने एल्बम्स और स्टेज शो से कितनी कमाई करते थे और सिंगर केके अपने पीछे परिवार के लिए कितनी संपत्ति छोड़ गए हैं। जिंगल्स गाकर सिंगिंग करियर की शुरुआत करने वाले केके को एआर रहमान ने फिल्मों में गाने का ब्रेक दिया। देखते ही देखते वो जाने पहचाने नाम बन गए और उनके गाए गाने लोगों की जुबान पर चढ़ने लगे। इसका असर उनकी कमाई पर भी हुआ। मशहूर हस्तियों की कमाई और संपत्ति ट्रैक करने वाली वेबसाइट सेलेब वर्थ के हिसाब से केके हर रोज लाखों कमाते थे। वेबसाइट के अनुसार केके की टोटल नेटवर्थ $8 मिलियन यानी कि 62 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। वो रॉयल्टी और स्टेज शो से हर रोज $2,739 यानी करीब 2,12,557 रुपए कमाते थे। केके का मूल नाम कृष्ण कुमार कुन्नत था, लेकिन वो स्टेज नेम केके से ही फेमस हो गए। उनका जन्म दिल्ली में एक मलयाली परिवार में हुआ। उन्होंने अपनी पढ़ाई भी दिल्ली से ही की। शुरुआती पढ़ाई माउंट सेंट मैरिज स्कूल से हुई तो ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ी मल कॉलेज से। बचपन से ही संगीत रुचि रखने वाले केके ने इसकी कोई औपचारिक तालीम नहीं ली। अपनी प्रतिभा के दम पर वो न सिर्फ बॉलीवुड में स्थापित हुए बल्कि अन्य भाषाओं में भी उन्होंने कई गाने गाए। लेकिन अब केके हमारे बीच नहीं रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।